الله أكبر الله أكبر। थोड़ा नमाज का टाइम हो रहा है, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। तो पढ़ मैं अभी आ रहा हूँ, बाद में पढ़ लूँ। ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मस्जिद भी आज साथ नहीं है, और इधर कोई साथ में मस्जिद नहीं दिख रही। नमाज का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, वो देखो वो लड़का बैठा है, क्योंकि नमाज पढ़ लेता हूँ उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज पढ़ सकता हूँ आपके साथ? जी आ जाए, मस्जिद दूर है। क्या अल्लाह मेरे दोस्त को हिदायत देना और उसे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। आप मुझे परेशान लग रहे हैं थोड़े। वैसे परेशान नहीं है, सही वैसे बता नहीं सकता, वैसे बता देता हूँ। मेरा दोस्त है, वो नमाज नहीं पढ़ता। उसे शाम को मेरे पास ले आना। कहाँ? कब्रिस्तान में। ठीक है, मैं शाम को लेके आ जाऊँगा उसे। ठीक है, मुझे कहाँ लेके जाना? चल तुझे कुछ दिखाना है। वालेकुम अस्सलाम। लेके आ गया हूँ, बताया नहीं सर, क्या बताना था? कब्र देख रहे हो ना, ये सारे कब्र में सोए हुए हैं, इनका टाइम ख़त्म हो गया है, तुम्हारा भी टाइम है। तुम अभी भी माफ़ी मांग लो अल्लाह से और अपने रब से, अपने रब से माफ़ी मांग लो। यही मौका है, अगर आपसे हिसाब पूछा जाएगा। पहले तो नमाज का 5 नमाजें पहले थी, 50 नमाजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कहा मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती, 45 कर दें, 5 नमाजें कटा दी। फिर 40 करवा दी, ऐसा ऐसा 5 नमाजें हो गई। तुम ये भी नहीं पढ़ सकते, कितनी बड़ी हैरत की बात है। आज से मैं समझ गया, आज से पूरी 5 नमाजें पढ़ूँगा। चलो आज से भी पढ़ लो, क्योंकि कज़ा ना हो जाए। अभी आज हमारी ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि लोगों को बता सके, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग मोबाइलों में गुम रहते हैं और नमाज़ पढ़ते नहीं। और हमारी वीडियो को सदका जाया समझकर आगे ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को इसी की ज़िंदगी संवर जाए, क्या पता। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।